मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कार्नेशन। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे फ्यूजेरियम पे, जिसमें कार्नेशन मीन्स लॉन्ग पे जो फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज लगती है उसी बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यह डिजीज कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो फ्यूजेरियम विल्ट इज द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ कार्नेशन। लॉन्ग की यह सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो सबसे ज्यादा डिजीज को काज करता है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉजेज सीवियर लॉस इन इंडिया। यह बड़े पैमाने पर डिजीज लगती है और ज्यादा से ज्यादा लॉस कर देती है। अपने देश में सबसे ज्यादा लॉन्ग पे इसकी बीमारी फ्यूजेरियम की लगती है और क्रॉप देखते देखते सूख जाती है, राइट। सिम्टम्स कैसे बनते हैं? सिम्टम्स, द विल्टिंग इज कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअल एंड स्टंटेड एलोइंग वेदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ लिप्स विथ स्टंटेड ग्रोथ। जब विल्ट का इन्फेक्शन होता है, कैरेक्टर का देखिए, तो ग्रेजुअल एंड स्टंटेड प्लांट छोटे हो जाते हैं, एलोइंग कलर का हो जाता है, विदरिंग एंड ड्राइंग पत्तियां सूखने लगती हैं और प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। जब इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है तो पत्तियां नहीं निकलती हैं, छोटे छोटे जाते हैं और प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। द जाइलम टिश्यू चोक बाय द फंगल ग्रोथ एंड एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज इंटायर प्लांट विथ अप। जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स नलिकाएं हैं नीचे से ऊपर तक फूड एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन करती हैं, उसी जाइलम और फ्लोएम वेसल्स नलिकाओं में को ब्लॉक कर देता है ए फ्यूजेरियम डिजीज, जिसको स्पोरोडोकियम कहते हैं। और जब जगह जगह ब्लॉक हो जाता है जाइलम और फ्लोएम वेसल, तो नीचे फूड एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक नहीं हो पाता और क्या पत्तियां सूख जाती हैं। अगर कोई ब्रांच होगा तो ब्रांच सूख जाएगा, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइकोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल, फैमिली ट्यूबरकुलरेसी, जीनस फ्यूजेरियम, स्पीशीज एक्सपोरम, वैरायटी डायंथी। सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है और जब डिट्रोमाइकोटिना फंगस है तो इसका क्लास होगा हाइपोमाइसिटिस, ऑर्डर मोनिलियस, फैमिली ट्यूबरकुलरसी, जीनस फ्यूजेरियम, स्पीशीज एक्सपोरम और वैरायटी डायंथी, राइट। काजल ऑर्गेनिज्म, काजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम एक्सपोरम फॉर्म स्पीशीज डायंथी। जो काजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम एक्सपोरम फॉर्म स्पीशीज डायंथी। नेचर ऑफ डिजीज, सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है क्योंकि इसका प्राइमरी इन्फेक्शन बाई सॉइल से होता है, सॉइल से ही फंगस सर्वाइव करते हैं और जब नेक्स्ट ईयर की क्रॉप आती है तो उनका प्राइमरी इन्फेक्शन बाई सॉइल होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन, राइट। नेचर ऑफ पैथोजन, नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स बेसिकली आर सेप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इन टू पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। बेसिकली जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, बट कुछ समय के लिए जो भी प्लांट की आप बुआई करते हैं अब वो पैरासाइट रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसे भोजन लेने लगते हैं और कुछ समय के लिए प्लांट मार देते हैं, मारने के बाद फिर सेप्रोफाइट रूप में उसी प्लांट डेब्रिस पे रॉ मटेरियल पे सर्वाइव करने लगते हैं। इस तरह का फंगस को हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, राइट। यहाँ पे देखिए फिगर बनाया, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिक दिखाई देती है, जब आप इसको फाड़ कर देखेंगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक स्ट्रिक पतली पतली दिखाई देती है। और माइसिलियम, इसके माइसिलियम सेप्टेड ब्रांचेज इंटरसेलुलर आर इंट्रासेलुलर। इसके जो माइसिलियम होते हैं सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होगा, इंटरसेलुलर होगा या तो फिर इंट्रासेलुलर होगा। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड आर थ्री टाइप्स, स्पोर जो तीन तरह के बनते हैं, फर्स्ट बनता है माइक्रोकोंडिया, मैक्रोकोंडिया एंड थर्ड क्लेमाइडोस्पोर। तीन तरह के स्पोर बनते हैं इसमें, जहां भी फ्यूजेरियम डिजीज लगता है उसमें तीन तरह के स्पोर बनते हैं, पहला होता है माइक्रोकोंडिया, मैक्रोकोंडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। जो माइक्रोकोंडिया होता है वो बड़ा बड़ा होता है इस तरह, सिकल शेप कोंडिया एंड विथ सेप्टेड बोथ इंडीज प्लांट, राउंड हल्का सा सिकल से अर्धचंद्राकार की तरह दिखाई देती है और स्टेप्टा तीन से लेकर पांच तक हो सकते हैं इस तरह के। तो माइसिलियम सिकल से आर सेप्टेड। माइक्रोकोंडिया, माइक्रोकोंडिया जनरली ओवल शेप,
या एक सेफ एंड अनसेफ्टेड या नॉन सेफ्टेड, कभी काल की एक दो सेफ्टा दिखाई दे जाता है। तीसरा आता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर में दो कंडीशन होती है, एक होता है इंटरकलिन पोजिशन, इंटरकलनी एंड इसको कहते हैं टर्मिनल, दो पोजीशन होता है, इंटरकलरी पोजीशन होता है और टर्मिनल होता है। इंटरकलरी मतलब स्वेलिंग एट द इंटरपल्स ऑफ हाइफा, हाइफा का जगह जगह फूल जाना ही टर्मिनल इंटरकलरी कहलाता है, और किसी हाइफा का ऊपरी भाग फूल जाना टर्मिनल कहलाता है। तो इसमें दोनों पोजीशन होते हैं, इच क्लेमाइडोस्पोर में भी इंटरकलरी आर वाट टर्मिनल इन पोजीशन, दोनों कंडीशन होता रहता है, राइट। तो इसमें तीन तरह के स्पोर बनते हैं, फर्स्ट बनता है माइक्रोकोंडिया, सेकेंड बनते हैं माइक्रोकोंडिया एंड थर्ड क्लेमाइडोस्पोर। इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में ही कोंडियोफोर और कोंडिया का निर्माण होता है, जिसको हम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, स्पोरोडोकियम, राइट। जो विल्ड में एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोडोकियम कहते हैं, राइट, स्पोरोडोकियम। एपिडर्मोलाइजिस, फ्यूजेरियम विल्ड आर फेवर्ड बाय द हाई एयर एंड सॉइल टेम्परेचर 26-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जब सॉइल टेम्परेचर होता है या तो ये डिजीज बड़े पैमाने पे लगती है, और फंगस सर्वाइव आर प्लांट डेब्री, फंगस उसी प्लांट में ही सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई प्लांट से शुरू होता है, इसलिए वो सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं। जो टेम्परेचर होता है 26-28 हो, वेदर कंडीशन हो, तो इन्फेक्शन और बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगता है। कैसे कंट्रोल करना है, फर्स्ट मैनेजमेंट पहला है यूज ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, हमेशा एक अच्छे बीज का चयन करिए जिसमें डिजीज न लगा हो, ऐसे मटेरियल को यूज करना चाहिए। नंबर टू है फॉलो अप क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अपनाइए, 2-3-4 चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाइए। थर्ड है ड्रेंज सॉयल विद कार्बेंडाजिम आर वेपाम 0.1% सोल्यूशन, सॉयल ड्रेंचिंग करनी है कार्बेंडाजिम के सहारे या वेपाम के सहारे 0.1% सोल्यूशन लेके आपको सॉयल ड्रेंच करने हैं। थर्ड है रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, कालाहारी, ट्रिसिको, शॉकिंग प्लांट एंड तालिम, ये इसकी रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं। नेक्स्ट है बायोजेन यूज करिए, ट्राइकोडर्मा एट द रेट ऑफ 1 kg मिक्स 25 kg FYM पर एकर एंड स्प्रेड ऑफ सॉइल बिफोर प्लांटिंग। 1 kg ट्राइकोडर्मा लीजिए, 25 kg गोबर खाद हो उसी में मिक्स करके बुआई से पहले खेत में बिखेर देना चाहिए, बिखेर की जुताई कर देनी चाहिए, जिससे सॉइल ट्रीटमेंट हो जाता है और सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, किल कर जाते हैं। इस तरह बच्चों आज के जो टॉपिक है फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कार्नेशन, लॉन्ग पे बीमारी बड़े पैमाने में फ्यूजेरियम का लगता है और इसको हम डिफरेंट मेथड अपना के कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके।